हेलो वेलकम फ्रेंड्स। टेलीप्राइम में शॉर्टकट की मदद से कंपनी कैसे बनाते हैं, जो बिगिनर होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो कंपनी बनी हुई है, आप इंस्टीट्यूट में गए, वहां आपको बताया गया कि कंपनी यहाँ से बनती है, ये टैली का मेन मेन्यू है, ये टैली का मुख्य मेन्यू है, तो यहीं से आपकी कंपनी बनेगी। तो कंपनी बनाने के लिए जाएंगे कहाँ, तो देखिए यहाँ पर कंपनी दी गई है, तो आप सीधा यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर देते तो यहाँ क्रिएट कंपनी आता है, ठीक है। दूसरा शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की है F3, खाली कीबोर्ड से F3 प्रेस करना है। टैली ERP9 में कहानी अलग थी, टैली ERP9 में आपको F3 नहीं Alt F3 प्रेस करना था, यहाँ पर केवल F3 प्रेस कीजिए, यहाँ से सीधा जाइए क्रिएट कंपनी पर, एंटर कर दीजिए। देखिए आपके सामने एक नया फॉर्म खुलेगा और इसी फॉर्म को आपको भरना है। ये आपका डिफॉल्ट पाथ है, यानी कि जो भी फाइल्स हैं आपकी टैली वाली जो भी बनाएंगे वो सारी यहाँ जाकर सेव होंगी, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, टेलीप्राइम के अंदर, डाटा नाम का एक फोल्डर है, यहाँ पर सारी फाइल सेव होंगी। तो इनकेस कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ से इनका बैकअप लेके रख सकते हो और यहाँ से इनको एक्सेस कर सकते हो। अब चलिए यहाँ पर कंपनी का नाम देते हैं, न्यू इंडिया कंपनी, ये नाम दे दिया मैंने इस कंपनी को, न्यू इंडिया कंपनी, ये हमारी कंपनी का नाम है। आएगा तो यहाँ न्यू कॉलोनी देवरिया कर देते हैं, ये एड्रेस हो गया, एंटर किया, यहाँ पर स्टेट आएगा, ठीक है। तो ये स्टेट हो गया और यहाँ पर इसका पिन कोड, जो हमारे लोकल एरिया का पिन कोड है, वो सब पिन कोड वगैरह आ जाता है। यहाँ पर देखिएगा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होगा, तो देखिए हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने का जो है प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगर आप UAE से बिलोंग करते हैं या किसी अन्य कंट्री से, तो शायद वहां 1 जनवरी से चालू होता हो, UAE में 1 जनवरी से ही होता है, तो याद रखिएगा इस चीज को। दूसरी चीज है कि बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, काम आपका कब से चालू हो रहा है, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये एंडिंग वाली डेट है, यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाली डेट है, तो यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, उसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। फिलहाल हमें GST चालू करने की जरूरत है नहीं, तो इस विंडो को भी कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, लीजिए नई कंपनी आपकी बन करके तैयार है। जब भी कंपनी में अल्टरेशन करना हो तो आप F3 प्रेस कर लीजिए। अल्टरेशन का मतलब क्या है, कंपनी में कुछ गलत कर दिया बनाते वक्त, कुछ गलत एंट्रीज हो गई, कोई गलत नाम लिख गया या कुछ ऐसा चीज गलत हो गया, उसको F3 करके सही कर सकते हैं। F3 करेंगे यहाँ अल्टर कंपनी आएगा, अल्टर कंपनी पे चले जाइएगा, यही हमारी कंपनी है। अगर नाम गलत हो गया हो यहाँ से नाम सही कर लीजिए, एड्रेस गलत हो गया हो एड्रेस सही कर लीजिए, जो भी गलत हुआ हो यहाँ से जाकर के आप सही कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी कि कंपनी कैसे बनाते हैं और उसे अल्टर कैसे करते हैं, दोनों ही बातें एकदम क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।